ये क्या कर रहे जी? मैं काजल लगा ले रहा हूँ, नजर नहीं लगना बल्कि। अब्बा रिटायर हुए सब बुड्ढे को नजर कौन लगाते लो? मैं बुड्ढा जी। नहीं तो क्या जवान है तुम? मैं नौकरी से रिटायर हुआ हूँगा लेकिन अभी भी फार्म में छू। है फार्म में? मैं 250 जगह अभी भी लेना लग जाते जी। कल इस बाजू वाले भी बोल रहे थे रहे तो सरदार भाई के साथ स्मार्ट रहना बोल के। पंजा लेके मारी ना, पांच दाता उखड़ के आना। फैन से जुड़ लगा मेरे। वैसे क्या बनाए नाश्ते में? बाजू वाले से जाके पूछ लो। जाओ। अरे अरे बोल के तो जाओ। ठीक, स्मार्ट रहना भी परेशानी है आजकल। फैन कितने पे हो? 4 पे है। 2 पे डाल ले। गर्मी हो रही ना बा। वो क्या है ना, मैं रिटायर हो गया, पहले फुल तनख्वाह आती थी 50,000, अब पेंशन आ रही 25,000, इसलिए 2 पे डाल ले। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। सब खैरियत से ना? सब खैरियत से है नहीं है नहीं मालूम, मगर मैं तो खैरियत से हूँ। क्या है बोल? कुछ नहीं अंकल, ये संडे मीटिंग है ना, आपके पास चंदा लिंगी बोल गया, कितना लिखना? अरे देख रहे मियाँ, मेरी सर्विस हो गई, मैं रिटायर हो गया, अब खत्म हो गया मेरा धंधा, तू मेरे से नको पूछ चंदा। ऐसा बोल रहे क्या अंकल? अच्छा बोलो ना रे, नहीं तो गालियां देके बोलूं। वैसे ये बार मीटिंग कौन कर रहे हैं? अपने दस्तगीर भी है नहीं, रोज कर रहे हैं। ये चंदे बंदे करके उन्हें धंधे सेट कर ले रहा, दस्तगीर को मैं बोलूं बोल, खुद के पास पैसे रहे तो मीटिंग करो बोल, नहीं तो नको करो बोल। दस्तगीर भाई वैसे इंसान नहीं होते अंकल, 4 पैसे कम पड़े तो लगाने वाले उन्हों। कौन कैसे इंसान है कि मेरे को मालूम रे, तू बच्चा है और कच्चा है। 500 रुपए देने इतने बादा का एक कर रहे बोलो। ठीक है रे, मैं तेरे को 500 रुपए दे दूं, लेकिन तू भी एक काम करना मेरे लिए। ठीक है। 1 महीने का राशन डाला मेरे को, नहीं तो 1 महीने के गोलियां ला मेरे, या फिर 1 महीने की करंट बिल बन, नहीं तो लास्ट एंड लास्ट 1 किलो बकरे गोश्त ला 1 महीने तक। हाँ? लाता लाता बोल रहे नहीं। फिर जा तो जा। मीटिंग आ गए, मीटिंग आ। क्या हो पापा, सिर में दर्द, दबाऊं? अबा ये कब से रे? तू मेरा सर दबा था, दर्द नहीं हो रहा ले। अयो घुटनों में दर्द है, पैर दबा बोल दे। तू मेरे पैर दबा था, मौका मिले तो गला दबा था तू। कुछ भी काम रहे तो बोलो, कर देता हूँ। मेरा काम छोड़, तेरे को मेरे से क्या काम है वो बोल पहले। वो 1-2 हज़ार रुपए होने का था, कपड़े खरीद लेता हूँ। कपड़े ला लेता, एक हफ्ता भी नहीं हुआ ना, अरे तू कपड़े ला लेके? एक दिन बुक्का ला लेता हूँ, पढ़ लेना है बोल के बोला, 2,000 रुपए दियूँ। बुक्का छोड़ तू ब्लाउज के हुक्का तक नहीं लाया। फिर एक दिन दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, बोले तो 1,000 रुपए दियूँ। कल गाड़ी में फुल टैंक कराया हूँ, आज कपड़े होना बोल रहा, कल धबड़े होना बोलता तू। ये धबड़े के बीच में राइमिंग अच्छी जम रही बोल के बोलो रे। राइमिंग अच्छी थी, मैं टाइमिंग अच्छी नहीं थी। पैसे दियो मेरे को, कपड़े ला लेता मैं। अरे मेरे को आ रहे सो पेंशन से, तेरे पैसे पैसे बोले सो टेंशन ज्यादा हो गया रे मेरे को। अब कपड़े भी नहीं पहनना जी। तू पहने सो क्या है रे वो कपड़े? फिर और क्या होना, जा पढ़ ले जा। अरे नहीं पढ़ता मैं, अब मैं कपड़े लेके घर आता हूँ, देखो तुम। जा ला ले जा। क्या साहब बुलाए? दूध वाले है ना तुम? हाँ सर। रोज कितने पैकेट डाल रहे थे दूध? 4 पैकेट है सर। कल से 2 लो। खाई कुछ ही? वो क्या है ना, मैं रिटायर हो गया, पहले मेरे को फुल तनख्वाह आती थी 50,000, अब पेंशन आ रही 25,000, इसलिए 2 दूध के पैकेट डाला कल से। ठीक है साहब, जाओ। बस अंकल गौस नहीं है। अंदर आओ बेटा, अंदर आओ। क्या है बेटा आपका नाम? सोहेल। गौस से क्या है काम? दोस्तों अंकल। अच्छा, स्कूल के दोस्त, इंटर के दोस्त, नहीं बीटेक के दोस्त? स्कूल के दोस्त। तुम भी एसआर में पढ़े? हाँ। फिर कभी भी नहीं दिखे ना जी मेरे को? अब छोटे जब बोलते हो मैं बाना दबा ले को, तेल लगा ले जाऊँ था अंकल, जब अलग था, अब तो बाड़ी वाड़ी बना हुआ। अच्छा कहाँ रहते आप? प्रकाश नगर अंकल। कैसा है गाड़ी? कौन सी गाड़ी? पैशन प्रो। तुम्हारी गाड़ी? पापा की गाड़ी। पापा की। गौस बुलाए तो आए नहीं, तुम ही चाहे? मैं चाहे अंकल। कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो बोलो बेटा, मैं बोलता हूँ। नहीं इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, ऐसी मिलेंगे बोल क्या। पापा क्या करते आपके? इलेक्ट्रिसिटी में है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बोल तो याद है जी, मेरा एक दोस्त था कलाम बोल के, करंट शॉक लग के मर गया ना। आपके पापा का नाम क्या है? अलीम। अलीम से याद है, हमारे डिपार्टमेंट में अलीम भाई थे जी। उन्होंने भी करंट शॉक लग के मर गए क्या अंकल? अरे नहीं, डिपार्टमेंट में उन्होंने जबरदस्त काम करते थे, काम बोले तो अलीम भाई, अलीम भाई बोले तो काम। तो फिर तुम नहीं करते थे क्या अंकल काम? मैं करता था पूरा काम, मेरे अंडर में अलीम भाई करते थे, मेरे से जूनियर हो ना, मैं उनका सीनियर हूँ। अच्छा वो सब जान दो मेरे अंकल, गौस को बुलाना जी, गौस कहाँ है? अरे गौस नानी घर को गया ना बेटा, 1-2 दिन के बाद आता। ठीक है लो अंकल, फिर मैं जाता हूँ। ठहरो कहाँ जा रहे, थोड़ी देर बैठो बात करेंगे। अरे नहीं अंकल, पापा तरकारी लाने जाना है, गाड़ी होना, गाड़ी देखे अपन थोड़ी देर बात करेंगे। बेटा वाह तुम मेरे को, वाह 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 वाह।
रिक्शु कहाँ है बाबा? वो क्या है ना, मैं रिटायर हो गया, पहले फुल तनख्वाह आती थी 50,000, अब पेंशन आ रही 25,000, इसलिए एक शू लाया, पहन ले बेटा। क्या हुआ रे, ड्यूटी नहीं गया? रिटायरमेंट हो गया ना रे मेरा। क्या करेंगे सोचता है फिर? क्या करते रे, अपॉइंटमेंट लगा लेके सो जाता हूँ, सर में दर्द हो रहा। कबूतरिया अब बीच उतर के आ रहा हूँ सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ नहीं रे, कब हुआ रिटायरमेंट? 2 महीने हो रहा। दावा दे रहा? दाता झड़ते से उम्र में दावा था कहीं गूगल। क्या कंजूस है यार, तेरा कब है रिटायरमेंट? मेरा और 2 साल है रे। बाह, छज बढ़ा लिया रे उधर इधर करके। मैं नहीं बढ़ा लिया रे, मैं तेरे से 2 साल छोटा। अरे हाँ नहीं, जीना आराम हो गया रे, दुआ कर। मरना बोल को। अरे मरना बोल के दुआ कर तेरे को तो भी। खैर जान दे, मगर जो भी दिना थे अपने जवानी के दिना थे रे, क्या जमाना था। हसीना मेरे पे मरती थी, मैं हसीना पे मरता था। तो भाई क्या भुट्टे भुनता था? हसीना मेरी जान रे। हसीना तेरी कैसा जान रे, मैं उसको लेकर फिरता था, मैं उसको पॉपकॉर्न खिलाता था, पफान खिलाता था, फिल्मों को ले जाता था, घुमाता था, शॉपिंग कराता था। रे हसीना तेरे से दिन में मिलती थी, मेरे से रात में मिलती थी रे, हमारा प्यार ही लग रहे। अरे हसीना मेरी थी है रहती रे। हसीना तेरी थी है रहती नहीं रे, हसीना मेरी है। हसीना मेरी है? हसीना मेरी जान है रे। मैं हसीना की जान हूँ रे, हसीना मेरी है। हसीना मेरी रे। मेरी रे, मेरी रे। अरे बुड्ढे खुद को लड़ाना ना करे, मेरी बोल बोलियो। अजी बा, बाजू वाले घर किराए को दिएगा दे, फिर अपन कब देंगे जी? हाँ देंगे देंगे, कौन उतरेगा दे? वो कौन की हसीना आंटी का दे। अरे बैठो बेटा बैठो। और अब्बा ना ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है अंकल। अरे ठंडा लाम यहाँ भैया, यहाँ है बाहर है, यहाँ पर ही है अंकल। लियो बेटा। क्या हुआ बेटे, परेशान दिख रहे? आधा आधा है बोल के देख रहे क्या? वो क्या है, मैं रिटायर हो गया ना, पहले फुल तनख्वाह आती थी 50,000, अब पेंशन आ रही 25,000, इसलिए। और शादी कब है आपकी? 18 को शादी है, 20 को वलीमा है अंकल। ये क्या बेटा, कार्ड आधा है? तो हमारे बाबा भी रिटायर हो गए ना, आधा कार्ड अफजल भाई को दिए बोले, आधा कार्ड आपको दिए बोले। चल रहा हूँ राइट। निखा 18th October 2022 वेन्यू। अरे फंक्शन हॉल का नाम इंडियन आ रहा इसमें, उसको बुला जा, उसको बुला जा। अरे उसको बुलाना कहीं कुछ, आधा कार्ड अफजल के घर में दे दो बोले ना उन्हें। चलो मैं देखिए, चल चल गाड़ी का। क्या है रे वो? कपड़े। कौन दिए तेरे को पैसे? अब मेरे पैसों से लाए तो तुम्हारा क्या हो रहा? तेरा अम्मी दिए नहीं। अरे उन्होंने कहीं को दे दे जी, थे मेरे ने। आओ बेगम, तुम ही दिए नहीं इसको पैसे, पैसे दे दे के खराब कर दे रहे तुम। कितने के लाया? 3,000 के। कौन दिए पैसे, सही सही बोल। अरे मेरे ने थे जी पैसे। सरदार भाई कहाँ है तुम्हारा बेटा? कहीं को। तुम्हारा बेटा क्या करा मालूम? क्या करा मेरा बेटा? मेरे बेटे की साइकिल ले लेके गया एक ट्रिप मार, तुम बोल के गया बीच हो गया ऐसा।